लुधियाना नगर निगम चुनावों में पहले ही कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री द्वारा पैनल में मौजूद सदस्यों की मौजूदगी में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन कर टिकटों का आवंटन करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इस पैनल में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, जिला कांग्रेस प्रधान गुरप्रीत गोगी एवं देहाती प्रधान गुरदेव सिंह लांपरा भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लुधियाना नगर निगम चुनाव निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार पूरी तरह से तैयार है। बाजवा ने लुधियाना निगम चुनावों में भी कांग्रेस द्वारा जीत का परचम लहराने का दावा किया। प्रोसेस शुरू है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मेरी ड्यूटी लगी है। पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनमें से देखना है भी कौन जीतने वाले हैं, तो उनको स्क्रीन करने हैं। नहीं, दो दिन लगेंगे, तीन दिन लगेंगे, जितने लगे लगाएंगे। स्विनिंग होगा, उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, हर जगह से लेंगे, CID से लेंगे, लोगों से लेंगे, उसका कांग्रेस में इतिहास क्या है सारी बातें देखेंगे, MLA से पूछेंगे। बढ़िया बात है, नए चेहरे तो आने चाहिए। जब मैं अमृतसर गया था वहाँ भी कहते थे बड़ी खींचोतान चल रही है, जीतने की रणनीति है, जीतना है, तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी है, जीतने वाला कैंडिडेट देंगे और जीतेंगे।